सो जिस तरह मार्केट आज बढ़ा है थोड़ा सा, सेंसेक्स केवल 120 पॉइंट बढ़ा है, मतलब एक उम्मीद जरूर जग गई है। जिस तरह मैं लगातार बात कर रहा हूं आप लोगों से कि भाई बहुत अच्छा टाइम है, अभी आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना म्यूचुअल फंड में, या लमसम कर रहे हो या SIP कर रहे हो, बहुत अच्छा मौका है। तो मेरे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा कि सर इस फंड के बारे में मुझे बताओ, टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में मुझे बताओ। मैं आपको बता सकता हूं कि भाई ये फंड ऐसा है ना, अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, 25,000 भी आप इन्वेस्ट कर देते हो इसमें, तो आपकी वैल्यू लगभग 10 लाख रुपए बन रही है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये फंड के बारे में अच्छा फंड है, रिव्यू आप जरूर देख लो, क्योंकि ये टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, टाटा का फंड है, यहां पास काफी अच्छी होल्डिंग मिलेगी आपको। यस, अभी जो मौका चल रहा है ना, अभी जो इन्वेस्टमेंट का चल रहा है मौका, जिस तरह मार्केट ऊपर नीचे है, बहुत अच्छा मौका है, बार बार हर वीडियो में कहता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई म्यूचुअल फंड में यस वो ताकत है, म्यूचुअल फंड में वो चीजें हैं कि एक बार आप स्टार्ट कर दे तो इन्वेस्टमेंट ना, वेदर आप यू आर डूइंग SIP, अगर आप ऐसे SIP करते हो, SIP मतलब हर महीने जो पैसे डाल रहे हो, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, सो दैट आगे जाके पैसा अच्छा मेरा बन सके, राइट? कैसे करना है, ग्रो एप्लीकेशन से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दी है, KYC कंप्लीट करके इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हो, राइट? बार बार बताता हूं वीडियो में, लोग सोचते होंगे बोर हो जाते होंगे, लेकिन मेरा मकसद है 20,000 से 25,000 हर वीडियो में लोग देखने आते हैं, कम से कम लोगों को पता होना चाहिए, उनको नया नहीं लगना चाहिए कि भाई म्यूचुअल फंड SIP कुछ नहीं, इसलिए मैं हर वीडियो में एक दो लाइन एक्स्ट्रा बता देता हूं। कंसेप्ट क्या है, SIP हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अकाउंट से कटवाना, लमसम मतलब इकट्ठा पैसे आप डाल देना। तो यस, टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में बात करेंगे। काफी लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं, सर आप इस फंड का नाम क्यों नहीं लेते, इस फंड का रिव्यू क्यों नहीं बताते कि क्या इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ध्यान से बने रहना कि ये फंड में ऐसी क्या ताकत है। भाई ये फंड को ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, लेकिन ये फंड ने जो एक उम्मीद जताई है, जो विश्वास दिखाया है, मतलब ये फंड अच्छा जाने वाला है। आज इस फंड का रिव्यू देखेंगे, मैं दो बातें करूंगा, एक बंदा जो 25,000 रुपए डाल के छोड़ देता है इस फंड में, और दूसरा बंदा जो लगातार 3,000 पर मंथ की SIP कर रहा है, लगातार SIP कर रहा है 3,000 पर मंथ, मतलब मान के चल रहे हो कि लगभग वो साल भर में देखा जाए तो 3,000 पर मतलब साल भर में लगभग अराउंड 36,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है साल भर में। लेकिन दोनों का सिनेरियो अलग है, लेकिन आप अगर SIP भी कर सकते हो, आप इसमें लमसम में कर सकते हो, दोनों आपका है। तो फंड का थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे, सबसे पहले इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा, सो दैट आपको एग्जैक्टली दिखे कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं। वीडियो का मकसद है ना कि आप लोगों ने इस फंड के बारे में बताया जाए, कितनी पोटेंशियलिटी इस फंड में। अगर लोग बोलोगे कि सर 3,000 ज्यादा हो जाता है, मैं नहीं कर सकता, तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, केवल आप 1,000 से भी शुरू करते हो इस फंड में तो बेटर आपके लिए रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं इस फंड के बारे में। जो हमारा फंड है वो हमारा है टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे। इस फंड के बारे में ये है कि अभी तक इस फंड ने ओवरऑल 23.76 का रिजल्ट दिया है, 23.76% 23.76% रिटर्न अभी तक मिला है। पिछले 3 सालों में इस फंड ने 47 का रिकवर लगातार जबरदस्त रिजल्ट दिया है। तो देखो रिव्यू अगर बात किया जाए, रिव्यू को लेके इस फंड के बारे में, तो मैं कहूंगा रिव्यू इसका ठीक ठाक है। थोड़ा देखते हैं कि लगातार आप इन्वेस्टमेंट करते हो या छोड़ देते हो केवल 25,000 इन्वेस्ट करके, तो अमाउंट आपका कैसा बनता, थोड़ा सा क्लियर देखते हैं। चलो अब इसके बारे में देखा जाए तो रेटिंग भी ठीक ठाक है, 4-स्टार रेटिंग है, ठीक है ना। मिनिमम आप 150 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितनी अच्छी बात है। केवल 150 से इन्वेस्टमेंट करना है आपको। अब 150 से कहने का मतलब ये है कि जो लोग बोलते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए रहता है, उनके लिए क्लियर है केवल 150 का इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी रहेगा। अब यहाँ पास होल्डिंग देखा जाए, होल्डिंग IDFC है, रेडिक्सो है, DCB बैंक है, BSF है, एग्रोटेक फूड्स है। तो देखा जाए होल्डिंग भी ठीक ठाक है, होल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे, होल्डिंग भी अच्छी इस फंड की। फंड 3,300 करोड़ का फंड साइज है, ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि फंड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, साइज ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह ये फंड ने स्टार्ट किया अपना काम, बहुत ही शानदार तरीके से फंड ने स्टार्ट किया है यहाँ पास, ठीक है ना। एग्जिट रेशियो, एक्सपेंस रेशियो सबसे अच्छी बात है, 0.27% एक्सपेंस रेशियो है। आपको पता है एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, इसीलिए मैं ऐसे फंड के लिए बात करता हूं, ऐसे फंड को लेने के लिए बात करता हूं जिसका एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम से कम रहता है, समझ गए आप। जिसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, समझ लो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दे रहे हो सामने वाले को, सो दैट वो अपना खर्चा निकाल सके। लेकिन हमारा मकसद है कम से कम एक्सपेंस करने का, ठीक है। तो ये फंड का मैनेजमेंट, देखो यार फंड का मैनेजमेंट चंद्र प्रकाश जी कर रहे हैं,
पांच छह साल पुराना फंड हो चुका है, तो फंड के बारे में ऐसा नहीं कि बहुत नया फंड है, फंड ने भी अच्छा काम किया है और देखा जाए फंड ने अभी तक ओवरऑल 23.76 का यहां पास रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंड के बारे में। आपको समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है फंड सही है। अब यहां पास थोड़ा सा कमाल एक चीज हम देखते हैं कि आप स्टार्ट कर देते हो इन्वेस्टमेंट 100 से 200 से 300 से 500 से 1000 व्हाटएवर यू हैव स्टार्ट करना है। रिव्यू क्या है मेरा, मत क्या इसके बारे में वीडियो को लास्ट में बता दूंगा, लेकिन आप देखो कि अगर आप लगातार स्टार्ट करते हो इस फंड में तो आपको क्या इस फंड में मिल सकता है, तो वो हम एसआईपी कैलकुलेटर में देखेंगे। ओके, चलो देखते हैं। मैं सिंपल में लमसम कैलकुलेटर यहां स्टार्ट करूंगा। लमसम में मैंने कहा है कि भाई ज्यादा नहीं, 25,000 आपको एक बार स्टार्ट करके छोड़ देना है। रिटर्न 23 समथिंग परसेंट दिया है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यार मिनिमम अभी आप इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम यहां 18% का लेके चल रहा हूं, क्योंकि 23 तो ऑलरेडी दे रहा है पिछले 5-6 सालों से, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हो सकता है कि और कम दे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कि 18% लेके चलूंगा फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। देखो यार, बात होती है केवल इन्वेस्टमेंट की शुरू करने की, कि अगर आप 25,000 से शुरू कर देते हो तो क्या इंपैक्ट होता है। पहले मैं बात करूंगा कि देखो यार, अगर 5 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो, आपने 25,000 एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, आपकी वैल्यू लगभग बन सकती है 57,000। ठीक है, समय की बात होती है, म्यूचुअल फंड में जितना ज्यादा समय देते हो, ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियो में बता दिया है समय इंपॉर्टेंट होता है यहां देने का, आपको लगातार हर दिन परसिस्टेंट पेशेंस के साथ साथ आपको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर वही पैसे रहने देते हो फॉर द टेन ईयर्स आप रहने देते हो तो देखो आपका अमाउंट लगभग वही बन जाता है 1,30,000। 1,30,000 बन जाता है आपने, तो एक बार आपको 25,000 कहीं से मिला, आपने छोड़ दिया उस फंड में, तो ये फंड मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा यार आउट ऑफ 5 ये फंड को मैं 5 देना चाहूंगा, क्योंकि रीजन इज दैट पिछले 6 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, 22-23 क्रॉस कर दिया है, जस्ट लाइक जैसे हमारा निपॉन है, SBI स्मॉल कैप है, तो कोटक स्मॉल कैप भी एक अच्छा फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैं क्यों बोलता हूं इन्वेस्ट करने के लिए, एग्रेसिव फंड होते हैं और अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है मोर देन 15-20 ईयर्स, बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि कंपनी लगातार ग्रो करती रहती है। कंपनी में जितने भी इंप्लॉय रहते हैं ना, कोशिश करते हैं कि भाई लगातार मेहनत करके मुझे ना मिड कैप कंपनी बनना है, तो इसीलिए उस चांस में मौका तो रहता है लेकिन थोड़ा रिस्क रहता है। रिस्क रहता है क्योंकि जैसे अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ, आपकी वैल्यू डाउन हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट होता है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। चलो, अगर मैं यही तरह इन्वेस्टमेंट लगातार करता हूं फॉर द 15 ईयर्स, तो आप देख सकते हो आपकी वैल्यू लगभग बन रही है 15 के लिए लगभग 2,99,000। और अगर आप छोड़ देते हो यही वैल्यू 20 ईयर्स में, सोचो आपने केवल एक बार 25,000 रुपीज डाल के छोड़ दिया है, ये वैल्यू लगभग बन रही है आपकी 6,84,000। तो ये कमाल होता है भाई ऐसे। अब ये सोचो खुद आप सोच से कि सर आपने तो एक बार बोला 25,000 के लिए, मेरे पास तो ऐसे 25,000 हो सकता है कि साल दो साल तीन साल में एक दो बार आ जाते हो। अगर आपने 50,000 भी यहां पास इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो मैं एक चीज बताऊं, ये फंड बुरा नहीं है। बहुत सारे फंड में एग्जांपल देता रहता हूं, HDFC हो गया, कोटक हो गया, DSP हो गया, निपॉन हो गया, बहुत सारा, लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में ऐड करना चाहते हो एक नया फंड, तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का स्मॉल कैप बहुत अच्छा है। चलो, लोग बोलते हैं कि सर हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं हो, 20 साल में मैंने वैल्यू बना ली लगभग 6,84,000 का, 20 साल में वैल्यू बना ली, ठीक है सर मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास इकट्ठे पैसे नहीं है, यू कैन स्टार्ट SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे अकाउंट से कटना है। आपने अगर स्टार्ट कर दिया, केवल 1000 से भी स्टार्ट कर रहे हो, आपकी वैल्यू मैं 18% लेके चल रहा हूं फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, केवल 1,000 रुपए स्टार्ट कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है। 1,000 रुपए केवल SIP शुरू कर रहे हो, 3,000 की बात नहीं कर रहा हूं छोड़, और हर महीने आप 1,000 रुपए डाल रहे हो अकाउंट से, आपकी सैलरी आती है, आप सोचते हो ज्यादा नहीं, मैं 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं बच्चों की पढ़ाई के लिए, बिटिया की शादी के लिए, वॉट एवर यू हैव द लॉन्ग टर्म गोल, आप 1,000 रुपए स्टार्ट करते हो, आप देख रहे हो कैलकुलेटर में सब कुछ सामने दिख रहा है, आप लगातार अगर इन्वेस्ट करते हो तो वही 1,000 रुपए की वैल्यू लगभग आपकी 23 लाख बन जाती है। समझ रहे हो ना कितनी छोटी छोटी चीजें हैं यहां, कि आपको शुरुआत केवल छोटे अमाउंट से ही करनी होती है, और आप नहीं, यहां सब लोग शुरुआत करते हैं, इस छोटे अमाउंट शुरुआत सब करते हैं। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई सुमित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका था टाटा म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने के लिए, अच्छा फंड है, आप स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, आप SIP करना चाह रहे हो SIP कर लो, 1,000 रुपए प्रति महीने SIP होती है, अब सोचो लगातार इन्वेस्ट करोगे तो आपकी वैल्यू इतनी बन सकती है। आपके पास अगर पर्याप्त
लमसम अमाउंट है तो यू कैन इन्वेस्ट इन द लमसम आल्सो। बहुत अच्छा मार्केट सिचुएशन चल रही है, जो अभी इन्वेस्ट करोगे उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली दिवाली दुर्गा पूजा में देखने को मिलेगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना यार, बाकी दोस्तों शेयर करो, उनको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या होती है। ताकत तब पता चलती है जब आप जल्दी जल्दी शुरू कर सकते हो। सो स्टार्ट दिस इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट आपको अच्छी कंपाउंडिंग का फायदा मिले। बाकी कुछ भी लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।